हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आज बहुत 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 स्पेशल दिन है। आज हमारा जेंडर रिवील है, तो आज बेसिकली पता लग जाएगा इफ वी हैव अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो जो जेंडर रिवील है उसके लिए हमने एक पार्टी रखी है और उसमें हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बहुत कुछ हूँ, बट हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब बस अभी सुबह हो गई है, शाम को हमारा फंक्शन है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत कुछ करना है। टू बी ऑनेस्ट, हम सबको लग रहा है इट्स अ बेबी गर्ल, एंड नव्या को बेबी गर्ल की ज़्यादा क्यूरियासिटी है, मुझे भी बेबी गर्ल की क्यूरियासिटी है, क्योंकि हमारे घर में अगर लड़की आती है तो 70 साल के बाद लड़की आएगी, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, बट अगेन वो क्यूरियासिटी तो है कि क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे, बहुत कुछ करना है, एंड यस, लेट्स डू बहुत सारे काम है। टू बी ऑनेस्ट, हम सब बहुत ही पैनिक मोड में आ चुके थे, क्योंकि सारा कुछ बहुत ही कम टाइम में हुआ। यहाँ पे नव्या डायरेक्शंस के ई कार्ड बना रहे हैं ताकि बता सके कि लोगों को कि कैसे आना है, कहाँ आना है, और हमारे पास बहुत कम टाइम था, सिर्फ 10 दिन थे तैयारी करने को, और 10 दिन में हमारे 3-4 दिन तो वेन्यू मिलने में ही लग गए। उसके बाद डेकोरेशन का हम जिससे भी पूछे सब बहुत ही ज़्यादा रेट दे रहे थे, और हमारा फंक्शन छोटा था, सिर्फ 40 लोगों की गैदरिंग थी। सो वी डिसाइडेड कि हम खुद ही डेकोर करेंगे, और यहाँ पे हमने अमेजोन से ये बलून्स मंगवाए और यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि हम कैसे उसकी वॉल बना सकते हैं, और हमने उसको पंप करने वाली मशीन भी मंगवा ली, और यहाँ पे सारा टबर लगा हुआ है बलून्स की वॉल बनाने के लिए। डर भी लग रहा था, बट वी मेड इट। आने वाला जुआ काका, हमें नहीं पता वेदर यू आर बॉय और गर्ल, बट जो भी है ना, तो देख ले सारी मेहनत कर रहे हैं दादा दादी बलून्स वगैरह, तो इट्स बेटर माँ प्यो दादा दादी रिस्पेक्ट करो, जो कितना साढ़े लिए तुझे किता की है, आ देख लो अजय तो तुझे बाहर नहीं आया, आ देख लो सवेर दे लगे हैं ऐसी, सो इट्स बेटर है ना, कदर करियो अपने माँ प्यो दी तो दादा दादी दी। जब आपके घर में फंक्शन होता है ना, तो आप इंजॉय करने से ज़्यादा ना आपके माइंड में स्ट्रेस होता है, तो आज वही चल रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा काम है, और यहाँ पे सारा काम हम खुद कर रहे हैं, डेकोरेशन तो अभी मैं देख ली कैसे, डेकोरेशन भी, केटरिंग भी, सब कुछ। तो अभी नव्या और पापा गए हैं म्यूज़िक सिस्टम उठाने, केक लेने, केक ऑर्डर करने, और 2 बज चुके हैं, और हमारा फंक्शन 6 बजे स्टार्ट होगा। तो मैंने ना एक्चुअली मुझे था कि मैं ना पिंक ड्रेस पहनना चाहती थी, और बाहर से मेकअप करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मेकअप आता नहीं, और मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल वो पिंक ड्रेस में लगूँ और मेरे बेबी गर्ल हो, लेकिन पिंक ड्रेस तो वही मिली नहीं, तो ब्लू पहननी पड़ रही है, एंड मेकअप भी मुझे कुछ आता नहीं, मुझे तो ना अभी आता है उतनी कोशिश की जाएगी। एंड टुडे, आज का इवेंट बहुत स्पेशल है, जो यही है कि सब लोग आए, वो अपनी ब्लेसिंग्स दें, वो खुश हुए, इंजॉय करें, तो वही पर्पस है, एंड होपफुली आई एम श्योर बाबा जी की ब्लेसिंग से, बाबा जी की कृपा से वो सब कुछ होगा वैसे ही। बस अब वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी से अभी थोड़ी देर में मैं तैयार होना शुरू करूँगी, एंड देन वी विल गो टू आर वेन्यू। मेरी लाइफ में जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि भाई इस बार तो ना मैं बाहर से मेकअप करवाऊँगी, पर उसके बाद मुझे ये होता है यार, एक तो उनको इतने पैसे भी दो, और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा लीपापोती कर लेती कि वो लगता ही नहीं कि इंसान एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो हर बार मैं सोचती हूँ, लेकिन एंड में मैं करती खुद ही हूँ। तो और फिर मैंने सोचा यार, इतना कौन करेगा कि नव्या को बोलो लेके आओ लेके जाओ, तो उस पगडंडे में हम नहीं फंसे, और एज यूजुअल खुद ही मेकअप किया। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, यहाँ पर फंक्शन हमारा सिंस पहली बार फंक्शन था, कि यहाँ पर मैन पावर की बहुत कमी लगी। इंडिया में होता है कि आप बोल देते हो यार तू केक पकड़ लाना, यार तू डीजे का कर लेना, यार तू थोड़ा जल्दी आके डेकोरेशन करवा देना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, और हम यहाँ पे लेट हो गए, और वो सबसे बड़ा पंगा था, क्योंकि यहाँ पे अब जिसको जितने बजे का टाइम था वो लोग उतने बजे आ जाते हैं। तो ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं, 6 बजे हमारा फंक्शन का टाइम है, और अभी तक मम्मी रेडी नहीं थे, नव्या रेडी नहीं था, पापा रेडी नहीं थे, क्योंकि ये सब बाहर के काम कर रहे थे, सिर्फ मैं ही थी, और मैं भी घर पे थी, और मैं भी तब तक नहीं जा सकती थी जब तक नव्या उन्हें आते नहीं। तो वो पैनिक बटन सुबह से ही ऑन था, बट आई थिंक सो ये अच्छी बात थी कि हमारे सारे गेस्ट भी इंडियन थे, तो सबको थोड़ा पता था कि थोड़ा लेट ही फंक्शन स्टार्ट होगा। और इसी के साथ मेरा मेकअप हो गया रेडी, बट आई डिड अ गुड जॉब राइट, मैं वैसे खुद की तारीफ नहीं, बट मैं एक्चुअल में प्यारी लग रही थी, आपको अभी पूरा ड्रेस दिख जाएगा। सब कुछ लेट है, सब कुछ लेट है, पता नहीं क्या होने वाला है। कहते
कराते कराते जी हम अपने वेन्यू पे पहुंच गए। हालांकि हम थोड़ी लेट थे, हमसे पहले कुछ गेस्ट आ चुके थे, बट इतना तो होना ही होता है। और ये रहा हमारा वेन्यू और ये रही सारी डेकोरेशन। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना सकूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब आप होस्ट भी होते हो। तो यहाँ पे मुझे कैमरा छोड़ के अपने इवेंट को होस्ट करना पड़ा और अपनी गेम्स खिलानी शुरू करनी पड़ी। कोशिश यही थी कि जितने भी लोग आए हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और हर एज ग्रुप की गेम्स थी, और यही था कि हर जो भी आया उसके चेहरे पे स्माइल लेके आना था, वही पर्पस था। एंड आई थिंक फोटोज़ देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि वो चीज़ पूरी हुई। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का रिग्रेट नहीं, मैं बोलूँगी कि एक चीज़ की कमी रह गई, वो ये थी कि मैं वीडियो के शॉट्स नहीं ले पाई। और उसका कारण ये था कि जब मैंने पता करवाया, वीडियोग्राफी का रेट बहुत ही महंगा था, मतलब $1500 की कोटेशन आई थी। एंड मैं समझ भी सकती हूँ, अगर यही होता 100 या 200 लोगों की गैदरिंग होती तो मैं ज़रूर अपनी करवाती, बट बहुत ज़्यादा बजट जा रहा था इतने छोटे फंक्शन के लिए, तो मैं वीडियो नहीं कर पाई। और सिंस मैं होस्ट थी, जैसे कि मैंने कहा, मैं गेम्स खिलाने में सबको बिजी थी, मैं ये इंश्योर कर रही थी कि जितने भी लोग आए हैं वो पार्टिसिपेट करें और उनके चेहरे पे स्माइल आए। वही मेरा हमेशा मकसद रहता है हमारे घर में जब भी कोई इवेंट होता है, कि इट्स नॉट जस्ट फॉर आस, कि जो भी आया है वो हंसे, खुश हो, स्माइल करे, उसे लगे कि हाँ यार इट वॉज फन। सो बाय गॉड्स ग्रेस हमारा फंक्शन भी बहुत अच्छा गया। एंड या आई एम सॉरी कि मैं बहुत अच्छी वीडियो के शॉट्स नहीं ले पाई, लेकिन आपको अंदाज़ा दे दिया, आपको ग्लिम्सेस दे दिए। और अब है वो फाइनल टाइम जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं बहुत देर से। एंड आप लोगों की, वैसे मैं बोलूँगी कि जो मेजॉरिटी की वोट्स थी वो ही विन हुई है। एंड हियर इज द वर्डिक्ट, अभी आपको पता लग जाएगा बस कुछ सेकंड्स में कि बॉय है कि गर्ल है। लेकिन इससे पहले आपको पता लगे कि बॉय या गर्ल है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच एक तो आप लोगों के प्यार के लिए और विशेज़ के लिए। और मैंने पहले ही बोला था अपनी वीडियो में, ये मायने, मतलब दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के इंपॉर्टेंट नहीं है या लड़के इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। लड़की होना भी बहुत ज़रूरी है, लड़के होना भी ज़रूरी है, और बाकी जो भी आता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से आता है, और शायद वो ही हमारी लाइफ में आना होता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड ये जी आपके लिए है, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि मेरे मम्मा है ना, जो वो थोड़ा ऐसे डरते हैं कि यार एक बार चीज़ हो जाए तब वीडियो डालनी चाहिए वो चाहिए, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप लोगों की जो लोग आपके वेल विशर्स होते हैं ना, उनकी विशेष ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, सो दैट्स ओके। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और ये मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा आपके साथ शेयर करी। एंड हियर यू गो। इट्स अ बेबी बॉय जी, वही बहुत जी ब्लेसिंग है, थैंक यू सो मच ऊपर वाले का ये ब्लेसिंग देने के लिए। एंड येस वी आर एक्साइटेड, वी आर थ्रिल्ड, एंड सब बहुत खुश है, नॉक ऑन वुड। लड़की होती तो भी इतनी खुशी होती तो शायद ज़्यादा खुशी होती, बट लड़का है तो भी हमें बहुत खुशी है। बस अब यही प्रे है कि भगवान सब कुछ ठीक करे, और वो करेंगे भी। एंड आप लोगों की विशेस बनाए रखना, थैंक यू सो मच वंस अगेन अपने प्यार के लिए, अपने विशेस के लिए। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि वीडियो थोड़ी जल्दी बनाऊँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर, बाय। Oh, oh, oh.